बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 11.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, हुज ईच साइड इज एक्स यूनिट्स लॉन्ग। उसकी हर एक साइड जो है वो एक्स यूनिट्स लॉन्ग है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी किस मेथड से कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तमाम जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपको बताऊँगी। तो देखिए भाई, एरिया मालूम करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है आपको अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल दे दिए गए हैं, अल्फ़ा भी बीटा भी गैमा भी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को दो से तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अब ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो उसके तीनों एंगल्स जो है वो इन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो अल्फा इक्वल है बीटा इक्वल है गैमा इक्वल है 60 डिग्री के, तीनों एंगल्स जो है ना वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। और हर एक साइड जो है इसकी, यानी ए जो है बी जो है वो सी जो है वो एक्स यूनिट्स लॉन्ग है। अब आपको तीनों एंगल भी गिवन है, तीनों साइड्स भी गिवन है, आपके पास सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है फाइंड आउट। तो देखें भाई, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आप ये भी ये भी ये भी एंड ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि इनमें से एक फॉर्मूला यूज़ करवा देती हूँ और ये वाला, दो तरीक़ों से आपको करवा देती हूँ, ठीक है। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट area of triangle is equals to half AB sin gamma, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें पहले वाली का, ठीक है। तो area of triangle is equals to half as it is, A आपको पता है x है, B आपको पता है x है, sin as it is gamma की वैल्यू है 60 डिग्री, x x स्क्वायर अपॉन टू साइन 60 की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 3/2। अब ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x² / 2^4, अंडर रूट 3/4x², ठीक है। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपके पास सिंपल आ गया, इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट चलें कर लेते हैं। सी साइड है आपके पास एक्स का स्क्वायर साइन 60, साइन 60, बीटा भी 60 है, गैमा भी 60 है, सब 60 है, साइन 60, साइन 60 से साइन 60 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर भी है नीचे भी है, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और साइन 60 की वैल्यू भी आपके पास आ गई अंडर रूट 3/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके पास अंडर रूट 3x² और 2^4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले थर्ड फॉर्मूला, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है आपके पास ये, बट काफ़ी मज़े का है। चले थर्ड फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये भी काफ़ी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और आप जानते हैं एस बराबर है हाफ ए प्लस बी प्लस सी के, हाफ एज इट इज ए है एक्स, बी भी है एक्स और सी भी है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, थ्री एक्स अपॉन टू, ये आ गया एस। अब आप क्या करें, यहाँ पर थ्री अपॉन टू को थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये आपके पास आ गया 1.5x। ठीक है, आप चाहें तो रूट में इस तरह से वैल्यू रख लें कि 3.2 रख लें। ठीक है, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस एक्स, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस एक्स, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस एक्स। अब थ्री अपॉन टू एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्यों है, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू भी यही है, बी की वैल्यू भी एक्स है, सी की वैल्यू भी एक्स है, और एस माइनस ए एक्स रखा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, थ्री अपॉन टू एक्स एज इट इज थ्री माइ अपॉन टू, थ्री अपॉन टू माइनस वन, हाफ एक्स आ गया आपके पास, यहाँ से भी हाफ एक्स आ गया, यहाँ से भी हाफ एक्स आ गया। ठीक है, करवाने का मकसद ये नहीं है कि आपने ये मेथड फॉलो करना है, आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि तीनों मेथड्स हम फॉर्मूला से हम कर सकते हैं तीनों तरहों से। ठीक है, अब आपने कर लिया थ्री एक्स 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 फोर एक्स है, देखें तो ये हो गया आपके पास थ्री एक्स की एक्सपोनेंट फोर, और अपॉन में टू टू द फोर, फोर टू दट एट टू दिक्सटीन, थ्री का रूट तो खुलेगा नहीं। ठीक है, थ्री का रूट तो आपके पास, क्योंकि थ्री का रूट नहीं खुल सकता, सिक्सटीन जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, फोर एक्स फोर है तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आ गया आपके पास वही आंसर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप किसी भी फॉर्मूले के जो है वो थ्रू आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ।